रावण ने महिलाओं के विषय में कही थी ये पांच बड़ी गंदी बात। जानिए लंकापति रावण के विषय में तो सभी जानते हैं। वह एक विद्वान और महाज्ञानी पंडित था। उसने महिलाओं के विषय में अनेक बातें अपनी पुस्तक रावण संहिता में लिखी थी, जिसमें उसने महिलाओं के कई अवगुणों का भी जिक्र किया था। तो आइए जानते हैं रावण द्वारा बताए गए महिलाओं के अवगुणों के बारे में। लंकापति रावण के विषय में तो सभी जानते हैं। वह एक विद्वान और महाज्ञानी पंडित था। उसने महिलाओं के विषय में अनेक बातें अपनी पुस्तक रावण संहिता में लिखी थी, जिसमें उसने महिलाओं के कई अवगुणों का भी जिक्र किया था। तो आइए जानते हैं रावण द्वारा बताए गए महिलाओं के अवगुणों के बारे में। पहला अवगुण, रावण ने कहा था कि महिलाएं बात बात पर झूठ बोलती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि झूठ ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। महिलाएं कपटी और छल करती हैं। दूसरा अवगुण, महिलाएं काफी चंचल होती हैं। उनका मन बार बार बदलता रहता है और उनके मन की बात को समझ पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए महिलाएं किसी को भी धोखा दे सकती हैं। तीसरा अवगुण, महिलाओं में बहुत ज्यादा साहस होना। इसके चलते कई बार उस जगह पर साहस का प्रदर्शन कर देती हैं जहां उसे नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें और उनके परिजनों को बाद में पछताना पड़ता है। साहस को कभी भी दुस्साहस नहीं बनाना चाहिए। चौथा अवगुण, स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले अधिक दयालु माना जाता है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां निर्दयी स्वभाव की होती हैं। वे अगर कभी दया का भाव छोड़ दें या निर्दयी हो जाएं तो कभी भी दया नहीं दिखाती। स्त्रियां छल और कपट करके जीत हासिल करती हैं। पांचवा अवगुण, महिलाएं देखने में चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, खूबसूरत साड़ी और गहनों से लदी क्यों ना हो, लेकिन वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण से रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था, क्योंकि रावण एक ज्ञानी व्यक्ति था। जय श्री राम।